महात्मा गांधी ने कहा था, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। और आज के समय के हिसाब से ये फेमस लाइन बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो ये है कि हम इंसान बाकी लोगों को और इवन कई सिचुएशन में खुद को माफ़ नहीं कर पाते। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और हम ये जानेंगे कि हम अपने पूरे दिल से सभी लोगों को कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है तो इसका कारण कोई दूसरा आदमी कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है या फिर आपके साथ वो चीज़ हो रहा है जो आप चाहते हो, कभी नहीं चाहते कि आपके साथ हो, तो इसका मेन कारण आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स या फिर नकारात्मक विचार ही हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने लाइफ में सभी लोगों को और इवन खुद को भी अच्छे तरीके से माफ़ कर पाओ, तो ऐसा करने के लिए जिस चीज़ की आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी वो है एक शांत दिमाग, यानी कि एक पीसफुल माइंड। क्योंकि अगर आपके पास एक शांत दिमाग है तभी आप शांति से लोगों के बारे में सोच पाओगे और उन्हें पूरी तरीके से माफ़ कर पाओगे। सभी लोगों को माफ़ करना और इवन खुद को माफ़ करने के बहुत सारे फायदे यानी कि बेनिफिट्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो उन सारे बेनिफिट्स को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जब हम किसी आदमी को भी माफ़ करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब हम ये जान लेंगे तो हम उसके बाद सभी लोगों को माफ़ कर पाएंगे और इवन खुद को भी माफ़ कर पाएंगे, जिसके कारण हमें खुशियों से भरी एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। हम सभी इंसानों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है और वो ये है कि जब हम इंसान किसी से भी नाराज़ होते हैं या फिर किसी से भी गुस्सा होते हैं तो हम उस आदमी को माफ़ नहीं कर पाते, यानी कि हम उस आदमी को अपने पूरे दिल से फॉरगिव यानी कि माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो उस समय हम सभी लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए और वो ये है कि चाहे हम अपने लाइफ में कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, हमारा शरीर यानी कि हमारा बॉडी हमारी हमेशा मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लापरवाही या फिर आपकी गलतियों के कारण आपको चोट लग गई हो और वो चोट इतनी गहरी हो कि उस चोट के कारण आपके शरीर से खून निकलने लग गया हो, यानी कि आपकी लापरवाही के कारण आपके शरीर से खून निकलने तक की नौबत आ गई, क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? तो इस सिचुएशन में भले ही सारी गलती आपकी क्यों ना हो, आपके कारण ही आपके शरीर को इतना चोट क्यों ना लगा हो, हमारा बॉडी यानी कि हमारा शरीर हमको हमारी सारी गलतियों के लिए अच्छे तरीके से माफ़ करता है और वो अपने इन्फिनाइट पावर्स के थ्रू हम सभी लोगों को ठीक कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर जैसे पहले होता था वो उसको बिल्कुल वैसा ही कर देता है। तो भले ही हम अपने लाइफ में कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, हमारा बॉडी यानी कि हमारा शरीर हमको हमारी सारी गलतियों के लिए माफ़ करता है और हमें हील करता है। यही है प्रकृति का नियम, यही है द वंडरफुल लॉ ऑफ नेचर। तो हम सभी लोगों को भी इस प्रकृति के नियम को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए और प्रकृति की ही तरह सभी लोगों को अपने लाइफ में अपने पूरे दिल से उनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों का शरीर कुछ इस तरीके से बना है कि जब तक हम सभी लोगों को अपने पूरे दिल से माफ़ नहीं कर देते और इवन जब तक हम अपने आप को भी पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देते, तब तक हम अपने लाइफ को खुशी से नहीं जी पाएंगे। और ये एक ट्रू फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट, जब हम किसी भी आदमी पर गुस्सा होते हैं या फिर हम किसी भी आदमी पर नाराज होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और हमारे ह्यूमन ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ने के कारण हमारी हेल्थ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हम बोल सकते हैं कि हमारी तबीयत पूरी तरीके से बर्बाद होने लगती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहे और आपकी तबीयत भी काफ़ी सही हो, तो उसके लिए आपको सभी लोगों को अपने पूरे दिल से माफ़ करना होगा। हम में से मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है कि जब हम किसी भी आदमी को माफ़ करते हैं तो ऐसा कर हम उस आदमी की मदद करते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि जब हम किसी भी आदमी को माफ़ करते हैं तो ऐसा कर हम एक्चुअल में अपनी खुद की मदद करते हैं। तो अब समय आ गया है ये जानने का कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों को यूज़ कर सभी लोगों को अपने लाइफ में कैसे माफ़ कर सकते हैं, जिसके कारण हम अपने लाइफ में एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो अब ये जानते हैं, तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर सभी लोगों को अपने लाइफ में माफ़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक जगह बैठ जाना है और अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, और उसके बाद आपको धीरे से अपनी आंखें बंद करनी है
और अब आपको शांत दिमाग से अपने आप को अच्छे तरीके से ये बोलना है कि मैंने पूरी तरीके से और अपने पूरे दिल से सभी लोगों को माफ़ कर दिया है अच्छे तरीके से, और जिन लोगों ने भी मुझे दुख दर्द और तकलीफ़ दिया है उन सारे दुख दर्द के बारे में मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, और अब मैं अपने आप को पूरी तरीके से फ्री महसूस कर पा रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और जिन लोगों ने भी मेरे लाइफ में मुझे दुख दिया है उन सभी लोगों को मैं अपने पूरे दिल से माफ़ करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि उन सभी लोगों की लाइफ खुशियाँ से भर जाए और उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। और अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ और सभी लोग फ्री हो चुके हैं। ये काफ़ी वंडरफुल फीलिंग है। और इस टेक्निक को आपको रोज़ तब तक करना है जब तक आप अपने पूरे दिल से सभी लोगों को माफ़ नहीं कर देते। इस टेक्निक को आपको रोज़ तब तक करना है, और अगर आपने इस टेक्निक को रोज़ ठीक से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने लाइफ में सभी लोगों को माफ़ कर दोगे। और उसके साथ साथ अगर आपको अपने आप को भी अच्छे तरीके से माफ़ करना है तो उसके लिए आप डॉक्टर रेनहोल्ड नेबर की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस सेरेनिटी प्रेयर को अपने लाइफ में अफर्म कर सकते हैं। और उस सेरेनिटी प्रेयर के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।